भागलैंड यूजर्स परिवहन सहकारी सभा की प्रबंध समिति के निलंबन के विरोध में ट्रक ऑपरेटरों ने दालाघाट में जिला परिषद सदस्य रामकृष्ण के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रैली में सैकड़ों लोगों को साथ लेकर बस अड्डे तक एक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। रैली के उपरांत ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी दालाघाट के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि गांववासियों के साथ जो वायदे जमीन लेते वक्त किए गए थे उसे पूरा किया जाए। यही नहीं, भागलैंड लूजर परिवहन सहकारी सभा की प्रबंध समिति को भी निलंबित कर दिया गया है, जो सरासर गलत है, जिससे वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लैंड लूजर्स की आवाज को दबाने के लिए सरकार ये असफल प्रयास करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी मंशा को कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य रामकृष्ण ने कहा कि सभा में सहकारी हस्तक्षेप तथा सभा को अस्थिर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सभा को निलंबित किया जाना वाजिब नहीं है। उन्होंने कहा कि निलंबित करने के फैसले को जल्द नहीं बदला गया तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को दांडला में मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। वो सभी सड़कों पे आए हैं और सड़कों पे इस बात के लिए आए कि प्रदेश सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्था है उनको बर्बाद करने की एक मुहिम छेड़ रखी है। कोऑपरेटिव बैंक का जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का भी निलंबन हुआ उसका बोर्ड का, उसके साथ दालाघाट में एक सहकारी बागल लैंड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके भी जो बोर्ड को भंग करके निलंबित करके सरकार ने जिता दिया है कि उसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और चुनी हुई सरकार चुनी हुई जो मैनेजमेंट कमेटीज है उनका निलंबन करके उनको प्रताड़ित कर रही है और उसके पीछे साजिश और मंशा सरकार की है कि सरकार चाहती है कि प्रदेश में छोटे छोटे संस्थाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिठाया जाए, उनकी ताजपोशी की जाए। भागल लैंड ट्रांसपोर्ट सोसाइटी के साथ आज सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हैं जिनका पूरा समर्थन हमें हासिल है, लेकिन बावजूद इसके इस सरकार के मंत्री जो राजीव सैजल हैं उनका जो पिछले दिनों हम उनसे मिले हमें ये जवाब मिला कि बार बार एक ही पार्टी का प्रधान क्यों बनता है। हम उनसे सवाल पूछते कि आप बार बार कसौली से विधायक चुन के क्यों आते हैं? आपके दाड़ाघाट में जो दो बड़ी सहकारी संस्था है, ट्रांसपोर्ट सहकारी सभाएं हैं एडीकेएम और एसडीटीओ, उसके जो उन संस्थाओं के जो प्रधान है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और हम पूछते सैजल साहब आप ये बताएं कि इन दोनों संस्थाओं में पिछले 20 वर्षों से एक ही पार्टी के प्रधान क्यों बन रहे हैं? आप हमसे सवाल पूछते थे कि आप बार बार क्यों आप ही जीत के आ रहे? हम कहते हैं कि आपका जो ये लोकतांत्रिक आपका बयान है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से जो लोग जिसको चुना जाता है उनको वो सम्मान देना चाहिए और हम लोकतांत्रिक ढंग से हमारे मैनेजमेंट चुन के आई है। आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, जिसने जंजैली में भी अभी लोगों ने दिखा दिया है कि जंजैली में सरकार